क्या करूँ यार, इस बार मालिक ने भी पैसे नहीं दिए, कह रहा था कि होली पे पैसे दे दूंगा, और मैं तो कुछ भी नहीं है ना, कपड़े कुछ भी नहीं, मेरे कपड़े कुपड़े सब छीन ले यार, क्या करूँ मैं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, मेरा मन न कुछ ही कर रहा। ओ बलियान, ये किसका बलियान है? चलो यार, कुछ तो मिला, कम से कम यही पहन लूंगा, घर जाऊंगा, घर पूछेंगे के पापा रंग लाए वो लाए, मैं तो कुछ भी नहीं ला पाया। अच्छा भाई, मजा आ रहा पार्टी में तो अब क्या? हाँ, पार्टी काफी अच्छी पूरी बन गई ना, जो बात है। और अब हम घर निकल रहे हैं, ठीक है, दूसरे बंदे के पास जाएंगे अपने, हम कितने बुला रखा है दावत पे, तो भाई जाप भी चलो, पार्टी तो बहुत बढ़िया थी, काफी अच्छी, मतलब बहुत ही अच्छा करा था बंदे ने, और मेरे पास में भी शाम के टाइम आने वाले हैं सारे दोस्त, बहुत मजा आया पार्टी में, इस बार काफी अच्छा मजा आ गया। और अब हम घर निकल रहे हैं, ठीक है, जैसे रेडी होएंगे और दोबारा होली खेलने के लिए जाएंगे, ठीक है। तो भाई आप जरूर चलना, ट्रैक पे भाई बाइक रोकियो, पीछे कौन बैठा देखते हैं, चलो कौन बैठा है, क्यों बैठा है भाई यहाँ पे? भाई कुछ नहीं बैठा, बस तो बहुत परेशान हूँ भाई, बहुत परेशान हूँ, कुछ भी नहीं खाया, बहुत भूखा हूँ और बहुत परेशान हो रहा हूँ। ठेकेदार ने मेरे पैसे नहीं दिए, मैं काम पे गया था, आज होली थी और बच्चों को खाना भी खिलाना था, पर ठेकेदार ने मना कर दिया। मैं मजदूरी करता हूँ भाई। कहाँ पे की थी मजदूरी? मैं मजदूरी यहीं पे मोहल्ले में जाकर कर रही थी। तो भाई ये बंदा बैठा हुआ था और हमने बने मजदूरी की हुई थी, किसी मजदूर इसकी मजदूरी करवा के किसी ने इसके पैसे नहीं दिए, तो गाइस ये बंदा बहुत दुखी है और इसकी मदद करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो गाइस ये देखिए रो रहा है बंदा, तो इसके बारे में पूछते हैं आगे क्या हुआ था, क्या हुआ था भाई तुम्हारे साथ? भाई मैं मजदूरी करके आ रहा था और कुछ लोगों ने मेरे मारा और कपड़े भी मेरे छीन लिए, और कपड़े कुछ भी नहीं थे, और ठेकेदार ने कहा आगे जा चला जा, यहाँ तो पैसे नहीं है भाई, परसों को पैसे ले लेना। और घर वाले कह रहे हैं कि भाई मुझे कपड़े भी चाहिए, पापा मुझे कपड़े चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए, मैं कहाँ से ला के दूँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है भाई, बताओ। भाई होली तो तूने खेली हुई है, ये कपड़े कहाँ से आए तेरे पास? भाई ये कपड़े मैंने भी यहाँ से और झाड़ियों से पड़े थे, मैंने वहाँ से उठा लिए। और मतलब अच्छे परिवार से लग रहा है बंदा पे, मतलब? और खाना खुना खाया आपने? नहीं भाई कुछ नहीं खाया, मैं बहुत देर का भूखा बैठा हूँ यहाँ पर, कभी कुछ नहीं, भूख लग रही है इतनी तेज, ठेकेदार ने एकदम भगा दिया, कुछ भी खाने को नहीं दिया। मेरी बाइक पे ना कुछ रखा हुआ है, वे ला के दे दे इसको, ठीक है। ये लो एक के भाई, दे दो इसको, ये खा लो तुम। और ये बताओ क्या नाम की तुमने मतलब होली मनाई या नहीं मनाई अभी तक? तो कुछ नहीं, नहीं भाई कुछ नहीं मनाई, होली वाली कुछ भी नहीं मनाई। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, आपने मुझे खाने को दिया, मैं बहुत देर का भूखा था, मुझे कुछ नहीं मिला। तुम्हारे बच्चे भी भूखे बैठे हैं या मतलब होली मनाई है या नहीं मनाई है अभी? नहीं मनाया भैया, सब भूखे बैठे हैं, मेरे इंतजार कर रहे हैं कि वो घर आएंगे और हम सब खाने को लाएंगे। कितने पैसे निकले थे तुम्हारे उनपे? मेरे उनपे 2500 निकल रहे थे, मेरे पे 1 रुपया उन्होंने नहीं दिया, जाओ भगा दिया और कहने लगे कि भाग जा बस यहाँ से, 1 रुपया नहीं देने के हम तुझे। तो मतलब अगर तुम झूठ बोल, झूठ तो नहीं बोल रहे ना तुम? नहीं नहीं भाई, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा, मैं सच बोल रहा हूँ भाई। चलो ठीक है, अब तो तुम एक काम करो, हम तुम्हें घर लेके चलते हैं और 2500 रुपये मैं दे रहा हूँ तुम्हें, ठीक है, 2500 रुपये, और तुम होली मनाओ जाके, ठीक है, उस बंदे का नंबर मेरे को देना, ठीक है। और क्या नाम है उसका? मैं आपको नंबर भी दूंगा भाई उसका, ठीक है, ये ले 2500 रुपये आए, ठीक है जी भाई। अब बच्चों को कपड़े ला के दे और क्या नाम की अपना होली मनाओ, ठीक है जी भैया जी, बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी, आपकी वजह से मेरी होली मनेगी, वरना मैंने तो सोच लिया। तो भाई आप भी देखना, किसी गरीब की होली मतलब अच्छी मननी चाहिए, कोई आपको गरीब मिले आसपास तो उसकी होली जरूर मनवाना गाइज। तो ये बंदा काफी दुखी था, इसकी मदद हमने कर दी है, अगर ये बंदा फ्रॉड हुआ या झूठ बोल रहा है तो इसके बारे में मतलब हम बाद में जानकारी ले लेंगे, ठीक है। तो गाइज हम इसको घर भी छोड़ेंगे, सारे काम करेंगे जाके, तो आप एक बार किसी गरीब की होली जरूर मनवाना। चलो भाई फिर आप घर छोड़ने चलते हैं, तुम्हें तुम्हारा घर बताओ। भैया मैं यहीं पास गए रहने वाला हूँ। कहीं गांव के रहने वाले हो? जी भैया गांव का रहने वाला हूँ। तो चलो ठीक है, हम तुम्हें बाइक पे छोड़ देते हैं अगर। जी भैया बहुत बहुत मेहरबानी होगी आपकी, मुझे घर छोड़ देना, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे पे इतना रहम दिखाया, मेरे को पैसे दिए और आपने बस मेरी आज एक तरीके से जान ही बचा ली, मैं तो बहुत परेशान हो गया था भाई।
तो ठीक है चलो अब हम तुम्हें छोड़ते हैं और रोना मत अब जा, ठीक है अपनी होली अच्छी तरीके से मनाना और उस बंदे का हमें नंबर देना, उससे मिलेंगे हम, पैसे तुम्हारे क्यों नहीं दे रहा है, क्या कर रहा है, ठीक है। तो चलिए गाइस जब चलते हैं इसको छोड़ने के लिए।